सारी दुनिया, सारी की सारी शैतानी सेना। मैं सिर्फ तुझे अपनी अधूरी शक्ति ही दे सकता हूँ। अगर तुझे मेरी सारी शक्तियाँ और शैतानी सेना हासिल करनी है तो मुझे आजाद कर। मैं तुम्हें आजाद करूँगा, बस मुझे वो चाबी हासिल हो जाए जो अंतरिक्ष के दरवाजे खोलकर तुम्हें आजाद कर सकती है। वो सिर्फ वही तुम्हें अंतरिक्ष की चाबी तक पहुँचा सकता है। कौन है वो? धूनी बाबा। लगता है शैतान को आजाद करने का राज जिम्बारा जान चुका है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और मेरा ये संदेश भीम तक पहुंचा सकते हैं। जी महाराज, पर इस खुशी के अवसर पर मैं एक बुरी खबर के साथ आया हूँ। कैसी बुरी खबर? अंतरिक्ष के दरवाजों के पीछे शैतान और उसकी सेना आज भी कैद है। उन दरवाजों को सिर्फ एक ही चाबी खोल सकती है, अंतरिक्ष की चाबी, जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया है। जिम्बारा को चाबी का राज हमसे पहले से पता है और इसीलिए चाबी तक भी वो हमसे पहले पहुंच जाएगा। तो हम क्या करें? हमें चाबी की तरफ नहीं, सीधे अंतरिक्ष की तरफ जाना चाहिए। वहां हम जिम्बारा से पहले पहुंचकर उसे दरवाजा खोलने से रोक सकते हैं। ये मेरा आदेश है कि अब तुम जिम्बारा को हरा कर ही वापस लौटना। जाओ भीम जाओ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस सिम्बारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस सिम्बारा। अंतरिक्ष जाने के लिए हमें किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ तो बस इतना ही लिखा है कि अंतरिक्ष तक पहुँचने के लिए व्योम पर्वत को पार करना होगा। और हाँ, जब दिन में भी कुछ ना दिखे तभी अंतरिक्ष का दरवाजा हमें दिखाई देगा। पर हाँ, अंतरिक्ष तक का रास्ता आसान नहीं होगा। अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। मिल गई अंतरिक्ष की चाबी, मुझे मिल गई। तुम सबको रास्ता दिखा रहे हो और मैं यहाँ पीछे से सबका ध्यान रख रहा हूँ। सूरज की ओर हुआ अंधेरा चारों ओर, सबने मिलकर हल्ला बोला, जिम्बारा भागा मंदिर की ओर। जिम्बारा पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया पर राज करने से पहले
तुझे मेरा सामना करना होगा सिम्बारा। तुम्हारा सामना खोलने की कोशिश करता हूँ, तुम जिम्बारा को दरवाजे के सामने लाओ। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। तुम्हें आदेश देता हूँ कि अंतरिक्ष में लौट जाओ और फिर कभी वापस मत आना। नहीं, शैतान, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं। तुमने इस बार तो मुझे हरा दिया, पर मैं अपना हिसाब चुकता करने के लिए फिर लौट कर आऊंगा भीम, फिर लौट कर आऊंगा। सिम्बारा कहाँ गया? लौट कर आऊंगा मैं। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे गोल! कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चकन चकन।